नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ यस बैंक के मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्टर किया जाता है। तो अगर आपके पास भी यस बैंक में बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहते हो यस बैंक के मोबाइल बैंकिंग को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, तो कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, मैंने यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा यस बैंक के मोबाइल बैंकिंग को फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्टर किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यस बैंक के मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पर जो प्ले स्टोर दिखाई दे रहा है प्ले स्टोर को ओपन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है IRIS by YES Bank, यही आपको टाइप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सबसे ऊपर हिस्से में दिखाई देगा IRIS by YES Bank, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई देगा, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ओपन दिखाई देगा, ओपन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1-2 सेकंड वेट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा परमिशन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा वेल यूजिंग द ऐप, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अलाउ अलाउ करके आपको यहाँ पर क्लिक करना है, मतलब SMS के परमिशन देना है और कॉलिंग के परमिशन देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंडियन रेसिडेंस, इसी के ऊपर क्लिक रहने देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, तो आपको यहाँ पर 1-2 सेकंड वेट करना है, कोई भी जल्दीबाजी आपको यहाँ पर नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर यस करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, लोन अकाउंट नंबर हो गया। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है, आपको जो भी आसान लगे, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करके आगे का प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मेरे पास यहाँ पर ATM कार्ड है, तो मैंने यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इतना ही काम करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको प्रोसीड दिखाई देगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास इसी तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने जो भी कस्टमर आईडी है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है। अब कस्टमर आईडी कहाँ पर मिलेगा, अगर आपके पास पासबुक है पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपके पास चेकबुक है चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा। अगर आपके पास चेकबुक पासबुक नहीं है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ ऑनलाइन कैसे पता करना है अपने कस्टमर आईडी को, उस वाले वीडियो के लिंक मैंने इस वाले वीडियो के नीचे दे दूंगा, उस वाले वीडियो को देख के अपने कस्टमर आईडी ऑनलाइन पता कर लेना है। नेक्स्ट अपने जो भी डेबिट कार्ड नंबर है वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है, जो कि 16 डिजिट का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेबिट कार्ड पिन, तो आपको क्या करना है, कैश विड्रॉल करने के टाइम में जो भी 4 डिजिट का पिन फिल करके कैश विड्रॉल करते हो ATM से, वही 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपने अभी तक ATM पिन जेनरेट नहीं किया, ATM पिन सेट नहीं किया, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उस वाले वीडियो के लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उस वाले वीडियो को देख के यहाँ पर अपने ATM पिन भी जेनरेट कर सकते हो। अब सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई देगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे इसी तरीके से एक SMS आएगा, तो यहाँ पर अपने आप जो भी OTP आया यहाँ पर OTP फिल हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर वेरीफाई दिखाई देगा, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंटर न्यू MPIN, तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से 6 डिजिट का MPIN क्रिएट करना है, तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा री एंटर न्यू MPIN, तो आपको क्या करना है, ऊपर आपने जो भी 6 डिजिट का पिन चूज किया है, जो भी आपने क्रिएट किया है, वही 6 डिजिट का MPIN आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है MPIN वही होता है मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन करने के टाइम पे काम पे आने वाला है, वही 6 डिजिट का MPIN अपने हिसाब से आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। MPIN क्रिएट करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर सेट MPIN दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई दे रहा है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब हमारे यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में जो भी MPIN सेट करना था यहाँ पर हमारे पास सेट हो चुका है और बैंक की तरफ से यहाँ पर SMS आ चुका है, तो जो भी हमने 6 डिजिट का MPIN क्रिएट किया था वही MPIN हमें यहाँ पर करना है। फिलअप करने के बाद अपने आप यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो सकता है, आपके पास एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो, नहीं तो आपके पास इसी तरीके से भी एक ऑप्शन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोसीड, तो क्या करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट करने चाहते हो यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर बाद में सेट करने वाला हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर डिवाइस रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी न्यू यस बैंक की मोबाइल बैंकिंग है यहाँ पर हमारे रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, जो भी आप घर बैठे ऑनलाइन काम करने चाहो तो यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।